नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कौन व्यक्ति है जो पूजा पाठ नहीं करता है, पूजा पाठ का लाभ प्राप्त नहीं करता है। ऐसा माना जाता है कि घर के अंदर पूजा पाठ करने से और सुबह के समय जो पूजा की जाती है उसका तो हमें कई गुना प्रभाव देखने को मिलता है और कई गुना लाभ प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सुबह की पूजा में जब आप साफ सफाई नहीं रखते हैं तो आपके घर के अंदर देवता कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सुबह की पूजा में दीपक जलाते समय भूल कर भी आपको यह गलती नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपके घर की लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है और आपको उसका पूरा प्रभाव नहीं मिलता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है, कई लोग क्या करते हैं कि पूजा करते हैं और देवताओं को जो दीपक अर्पित करते हैं, जो दीपक जलाते हैं, उसको साफ सफाई ही नहीं रखते हैं। और अगर आप उस दीपक को अगर धोते नहीं है, दोस्तों जैसे कि आप जूठे बर्तन के अंदर खाना नहीं खाते हैं तो किस प्रकार आप देवताओं को जूठे बर्तन के अंदर दीपक करते हैं। तो आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि उन बर्तनों को साफ सफाई करने के बाद ही आपको उनकी पूजा करनी चाहिए, ताकि आपको उसका शुभ फल प्राप्त हो और न कि आपकी पूजा के अंदर विघ्न पड़े। दोस्तों, दूसरा बात करते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि दीपक को जला लेते हैं और एक दीपक से दूसरा दीपक जलाते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको प्रत्येक दीपक को अलग अलग जलाना चाहिए और आपको एक विशेष हम आज आप मंत्र बताएंगे। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हुए दीपक जलाते हैं तो आपको कई गुना प्रभाव प्राप्त होता है और दीपक जलाने का साक्षात आपको इस अपने जीवन के अंदर फायदा मिलता है। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु में पाप, दीप ज्योति नमः चतुते। इस मंत्र का जाप करते अगर आप दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाने का औचित्य कई गुना तक बढ़ जाता है और आपको उस दीपक जलाने का फायदा कई गुना तक प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, एक आपसे विशेष निवेदन है कि जब भी आप देवताओं को दीपक जलाएं, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब तक आपकी पूजा चले उतना उसके अंदर घी या तेल जैसा भी आप दीपक जलाएं तब आपको उसका जरूर डालना चाहिए। अगर आपकी पूजा से पहले ही वह दीपक विसर्जित हो जाता है, वह दीपक बुझ जाता है, तो आपको उस पूजा का प्रभाव नहीं मिलता है और आपको उस पूजा की हानि देखने को मिलती है। दोस्तों, इसी तरह कई व्यक्ति हमें पूछते हैं कि दीपक तो जला लिया लेकिन दीपक को हमें रखना कहाँ है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई देवी है तो बाईं तरफ दीपक रखा जाता है और अगर कोई देवता है तो उनके दाईं तरफ, उनकी तस्वीर, उनकी मूर्ति के दाईं तरफ रखा जाता है। हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव को अगर आप दीपक अर्पित करते हैं, काल भैरव को दीपक अर्पित करते हैं या हनुमान जी को दीपक अर्पित करते हैं तो बिल्कुल उनके समक्ष आपको दीपक जलाना चाहिए, ताकि आपको उनकी पूजा का पूरा फल प्राप्त हो और आपको उस पूजा का विशेष महत्व प्राप्त हो। अगर आप यह ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको उस दीपक जलाने का किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। दोस्तों, कई बार कहा जाता है कि दीपक जलाने के साथ साथ आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि दीपक को आपको कभी भी सीधे आंगन में नहीं रखना चाहिए, उसे ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। अगर आप दीपक जलाते समय उसे नीचे रखते हैं, नीचे के आंगन में रखते हैं, तो आपको उसका पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि इसकी जगह ऊंची मानी गई है। तो आपको सदैव इसे ऊंचा ही रखना चाहिए, नीचे रखने वाले व्यक्ति को उसका पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। और दोस्तों, यह भी जरूर ध्यान रखें कि पूजा का जो दीपक जलाया जाता है उसे जलने दीजिए। अगर आप फूंक मारकर अगर किसी भी दीपक को आप बुझा देते हैं तो आपको उसका फायदा प्राप्त नहीं होता है और आपको यह गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।